यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक हमें importance of organic chemistry के बारे में बताती हैं। अगर हम अपने डालें तो ऑलमोस्ट हर चीज हमें organic nature की ही नजर आती है यही वजह है कि हम कहते हैं प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलिए डिस्कस करते हैं कि वो कौन से इम्पोर्टेंट यूजेस हैं जो कि इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्स्ट है हमारे पास फूड Clothing, shelter, power and transportation, medicine and drugs, insecticides, hormones and steroids, vitamins and enzymes, pigments and dyes, paper and ink, perfumes and flavors, plastic and rubber, explosives, soap and detergents, herbicides, photographic films and developers. ये वो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन ऑफ़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होता है एज अ फूड यानी जो खुराक हम करते हैं वो कंसिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर प्रोटीन पर एंड फैट्स एंड ऑयल पर याद रखिए कि चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों प्रोटीन्स हो या फिर फैट्स एंड ऑयल हो ये तमाम के तमाम जो है ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन क्लॉदिंग वो कपड़े जो हम पहनते हैं चाहे वो कॉटन की हो सिल्क की वूल की या फिर नायलॉन के तमाम के तमाम ऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं याद रखिए कि नेचुरल फाइबर वो होता है जो कि एनिमल या प्लांट ऑरिजन से हासिल किया जाता है फॉर एग्जांपल कॉटन सिल्क एंड वूल ये तमाम के तमाम जो है ये नेचुरल फाइबर कहलाते हैं जबकि सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है फॉर एग्जाम्पल रियॉन नायलॉन ियल ऑर्गेनिक नेचर का ही होता है चाहे वो लकड़ी जो कि फर्नीचर में इस्तेमाल हो रही है पेंट्स या वॉर्नेशिज ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स न सिर्फ हमारी डेली लाइफ में फूड शेल्टर वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि ये पावर और ट्रांसपोर्टेशन का भी बेस्ट सोर्स है जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम और कोल जो कि इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की याद रखें कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है कार्स और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए फॉर एग्जांपल हम अपनी कार्स में पेट्रोल का यूज करते हैं डीजल ऑयल का यूज करते हैं कम्प्रेस नेचुरल गैस जिसे सी भी कहा जाता है इसका यूज करते हैं और साथ ही कोल गैस का यूज किया जाता है सो so, इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है मेडिसन्स एंड ड्रग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसन एंड ड्रग्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास मौजूद तमाम की तमाम जो एलोपैथी या होम्योपैथी मेडिसन्स होती हैं याद रखें कि इन मेडिसन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही यूज़ किए जाते हैं स्क्रीन पर मौजूद इस लिस्ट में चंद और इम्पोर्टेंट यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बताए गए हैं याद रखें कि ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक नेचर के ही हैं फॉर एग्जांपल इंसेक्टिसाइड्स हार्मोन्स एंड स्टेराइड्स वाइटामिन एंड एंजाइम्स पिगमेंट्स एंड डाइज पेपर एंड इंक परफ्यूम एंड फ्लेवर प्लास्टिक एंड रबर एक्सप्लोजिवस सोप एंड डिटर्जेंट्स हर्बिसाइड्स फ़ोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेवलपर्स ये तमाम के तमाम जो कि आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत से ये जो हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं